नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। हाउस टैक्स वापस लो। लखीमपुर खीरी में नगर पालिका की तरफ से मनमाने तरीके से बढ़ाए गए हाउस टैक्स के विरोध में नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष अनूप मिश्रा, तहसील अध्यक्ष बलराम गुप्ता और महामंत्री चांद कुमार जैन की अगुवाई में व्यापार मंडल के पदाधिकारी नगर पालिका जहां पहुंचे और दिशाशी अधिकारी महेंद्र कुमार चौधरी से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन भी सौंप दिया। नगर व्यापार मंडल की तरफ से सौंपे गए ज्ञापन में व्यापारी नेताओं ने कहा है कि पालिका की तरफ से हाउस टैक्स किस अनुपात में और किस आदेश पर बढ़ाया गया, बढ़े हुए हाउस टैक्स की सर्कुलर कॉपी उपलब्ध कराई जाए और बढ़े हुए हाउस टैक्स की सूची प्रकाशित कराकर नगर व्यापार मंडल को उपलब्ध कराई जाए। व्यापारी नेताओं ने कहा है कि वो नगर वासियों का शोषण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञापन में कहा गया है कि जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बढ़े हुए हाउस टैक्स को तुरंत वापस लिया जाए। तो लखीमपुर खीरी का एक पूरा मामला है जहां पर बढ़ाए गए हाउस टैक्स को लेकर वापस लिए जाने की मांग हो रही है। हाउस टैक्स के विरोध में ईओ को ज्ञापन भी सौंपा गया है। लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला जहां पर बढ़ाए गए हाउस टैक्स से जो लोग हैं वो परेशान हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी में नगर पालिका की तरफ से मनमाने तरीके से बढ़ाए गए हाउस टैक्स के विरोध में नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष अनूप मिश्रा, तहसील अध्यक्ष बलराम गुप्ता और महामंत्री चांद कुमार जैन की अगुवाई में व्यापार मंडल के पदाधिकारी नगर पालिका जहां पहुंचे और फिर क्या था, अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार चौधरी से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन भी सौंप दिया। नगर व्यापार मंडल की तरफ से सौंपे गए ज्ञापन में व्यापारी नेताओं ने कहा है कि पालिका की तरफ से हाउस टैक्स किस अनुपात में और किस तरह से बढ़ाया गया है और किस आदेश पर बढ़ाया गया है, इसकी एक सर्कुलर कॉपी उपलब्ध कराई जाए और बढ़े हुए हाउस टैक्स की सूची प्रकाशित कराकर नगर व्यापार मंडल को उपलब्ध भी कराया जाए। व्यापारी नेताओं ने कहा है कि वो नगरवासियों का शोषण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बढ़े हुए हाउस टैक्स को तुरंत वापस लिया जाए। तो ये मांगे लगातार की जा रही है। ईओ को ज्ञापन भी सौंपा गया है। दरअसल हाउस टैक्स बढ़ाया गया था जिसके विरोध में ईओ को एक ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि किसी भी हाल में जनता का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें एक कॉपी चाहिए कि किसके आदेश पर हाउस टैक्स बढ़ाया गया है, क्यों बढ़ाया गया है, इसके पीछे क्या वजह है। तमाम बातें जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का एक पूरा मामला जहां पर नगर पालिका की तरफ से मनमाने तरीके से हाउस टैक्स बढ़ाए जाने पर विरोध में नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष अनूप मिश्रा, तहसील अध्यक्ष बलराम गुप्ता, महामंत्री चांद कुमार जैन, इन सबकी अगुवाई में व्यापार मंडल के पदाधिकारी जो हैं वो नगर पालिका जा पहुंचे, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार चौधरी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा है। नगर व्यापार मंडल की तरफ से सौंपे गए ज्ञापन में व्यापारी नेताओं ने कहा है कि पालिका की तरफ से हाउस टैक्स किस अनुपात में और किस तरह से और किसके आदेश में बढ़ाया गया और बढ़ते हुए हाउस टैक्स की सर्कुलर कॉपी उपलब्ध कराई जाए। बढ़े हुए हाउस टैक्स की सूची प्रकाशित कराकर नगर व्यापार मंडल को उपलब्ध कराई जाए। व्यापारी नेताओं ने कहा है कि वो नगर वासियों का शोषण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञापन में भी कहा गया है कि जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हाउस टैक्स को तुरंत वापस लिया जाए जो कि बढ़ाया गया है। हालांकि इसको लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। ईओ की तरफ से एक यहां पर आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही इस पूरे मामले को उठाया जाएगा। दरअसल नगर पालिका की तरफ से ये हाउस टैक्स बढ़ाया गया था जिसको लेकर चर्चाएं हो रही थी, लोग प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसे में व्यापार मंडल की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। नगर पालिका की तरफ से हाउस टैक्स बढ़ाया गया वो भी मनमाने तरीके से, ऐसे में इसका विरोध होना लाजमी था। विरोध में नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष अनूप मिश्रा, तहसील अध्यक्ष बलराम गुप्ता और महामंत्री चांद कुमार जैन की अगुवाई में व्यापार मंडल के पदाधिकारी नगर पालिका जहां पहुंचे और अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार चौधरी से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी गौरव गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ ये पूरा मामला है और नगर निगम के द्वारा जो हाउस टैक्स बढ़ाया गया है, मनमाने तरीके से जो आरोप नगर निगम पर लग रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है और ये हाउस टैक्स क्यों बढ़ाया गया, क्या कोई सर्कुलर जारी किया गया है, क्या किसके आदेश से बढ़ाया गया है, कोई जानकारी? देखिए, दरअसल पूरा मामला लखीमपुर खीरी के पलिया कला का है। यहाँ पर मनमाने तरीके से ग्रहकर को 20 गुना बढ़ा दिया गया। व्यापारी नेताओं ने आरोप लगाया है कि पहले 75 रुपए से लेकर के 100 रुपए सालाना टैक्स पड़ता था, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों ने मनमाने तरीके से एकदम इसको बढ़ाकर 1600 से 2000 रुपए कर दिया।
जिसको लेकर व्यापारी नेताओं ने नगरपालिका के ईओ महेंद्र चौधरी का घेराव भी किया है जी। और उनसे उस आदेश की कॉपी मांगी गई जिसके आदेश पे यह बढ़ाया गया है। गौरव, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा है कि जो ईओ को ज्ञापन सौंपा गया है, ज्ञापन में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, क्या मांग की गई है, नाराजगी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है जो भी व्यापारी संगठन हैं उनमें। दरअसल देखिए, ये पलिया शहर के पूरा मामला है और इन्होंने नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष अनूप मिश्रा और तहसील अध्यक्ष बलराम गुप्ता के अगुवाई में इन्होंने पूरा वहां पर जाकर प्रदर्शन किया है और नगर पालिका के अधिकारियों से मांग की है कि ये जो आदेश किया गया है किसके आदेश पर बढ़ाया गया, उन्होंने सर्कुलर की कॉपी मांगी है। यहाँ पर जो आम जनता है, आम जनता क्योंकि इसमें हाउस टैक्स उनका भी बढ़ाया गया है, व्यापार मंडल तो अलग बात है, जो आम जनता है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, उनकी तरफ से क्या कुछ मांगे हैं, क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है? देखिए, इसका सीधा सा असर आम उपभोक्ताओं पे भी पड़ेगा। जिस तरीके से पूरे देश में जो इस टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके बाद लखीमपुर खीरी में भी जो ये इन लोगों को उपभोक्ताओं पे असर पड़ रहा है, तो ये सीधा सीधा उनकी जेब पे भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए गौरव। तो लखीमपुर खीरी का एक पूरा मामला है जहां पर हाउस टैक्स के विरोध में ईओ को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। नगर पालिका ने मनमाने तरीके से हाउस टैक्स बढ़ाया है, जिसके बाद व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं, ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि हमें एक पूरी कॉपी चाहिए कि आखिर किसके आदेश पर और क्यों हाउस टैक्स बढ़ाया गया है। ऐसे में आम जनता का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तमाम बातें जो हैं वो ज्ञापन में लिखी गई हैं। खाकी का दूसरा रूप देखने को मिला है, ये पूरा मामला ललितपुर का है। आमतौर पर जरूरत पड़ने पर देरी से पहुंचने के लिए चर्चित खाकी का दूसरा रूप ललितपुर में सामने आया। यहां राजघाट कस्बे में एसबीआई बैंक की शाखा में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को एक सिपाही और होमगार्ड ने एन मौके पर पहुंचकर नाकाम कर दिया। मौके से एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके दो साथी भागने में कामयाब रहे। ललितपुर में पुलिस की सजगता से बैंक में चोरी की एक बड़ी योजना विफल हो गई। गिरफ्तार बदमाश के पास से 23,000 की नकदी बरामद हुई है। वहीं बैंक के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले फरार बदमाशों की तलाश भी की जा रही है। ऐसे में उनकी तलाश में पुलिस अधीक्षक ने टीम का गठन भी कर दिया है। इसके लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस ने जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी का दावा किया है। पुलिस अधीक्षक ने बड़ी वारदात नाकाम करने वाले सिपाही और होमगार्ड को पुरस्कृत करने की भी घोषणा कर दी है। देखिए, एक तरफ हम पुलिस को कोसते हैं कि जब घटना घट जाती है तब पुलिस आती है, देरी से आती है, लेकिन ललितपुर में पुलिस का एक दूसरा ही रूप सामने आया है, जहां पर एक सिपाही और होमगार्ड की सजगता के चलते एक बड़ी घटना जो चोरी की होने जा रही थी स्टेट बैंक में, वो नहीं हो पाई है और उस चोरी की योजना को इनके जरिए विफल कर दिया गया। एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी बदमाश भागने में कामयाब रहे हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही उस बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ जो सिपाही और होमगार्ड था उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। ललितपुर का ये पूरा मामला है और वाकई अगर पुलिस सजग रहेगी तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, चाहे वो चोरी की घटना हो, चाहे वो हत्या की घटना हो, वो घटनाएं जो हैं वो कम होती हुई नजर आ सकती हैं। ललितपुर का ये पूरा मामला जहां पर पुलिस की सजगता से बैंक में चोरी होने से बच गई है। साथ ही साथ यहां पर पुलिस की कार्यशैली की सब तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि लगातार जब कोई घटना घट जाती है या कोई जरूरत पड़ती है, आमतौर पर पुलिस देरी से पहुंचती है, लेकिन ललितपुर में ऐसा नहीं हुआ। यहां राजघाट कस्बे में एसबीआई बैंक की शाखा में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को एक सिपाही और होमगार्ड ने एन मौके पर पहुंचकर नाकाम कर दिया। मौके से एक बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी नितिन गिरी मेरे साथ ललितपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, एक बहुत ही अच्छा जो रूप है वो पुलिस का देखने के लिए मिला है। एक बड़ी घटना हो सकती थी, एक बड़ी चोरी हो सकती थी बैंक के अंदर, लेकिन एक सिपाही और होमगार्ड की सजगता से ये नहीं हो पाया और चोरी विफल हो गई। जी, आपको बता दूं, आमतौर पर जरूरत पड़ने पर देरी से चर्चित को मिला है। यहाँ राजघाट कस्बे के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाकर वारदात को अंजाम तीन लोगों
सिपाही और होमगार्ड मौके पर ही पकड़ लिया, जिसमें दो सफल लेकिन एक पकड़ लिया गया। बिल्कुल, यहाँ पर नितिन मैं ये जानना चाहूंगी कि इस पूरी योजना का जो होमगार्ड था, जो सिपाही था, उसे कैसे पता चला और ये कब का मामला है, किस समय का है? जी आपको बता दूं, सोमवार से ये मामला है कि जो अंदर लॉकर ताला तोड़ रहे थे, तब बाहर गश्त कर रहे होमगार्ड सिपाही को उसकी आवाज सुनाई दी और उन्होंने बैंक मैनेजर से संपर्क किया। जब देखा गया तो दोनों ताले बैंक टूटे हुए थे, अंदर जाकर बैंक मैनेजर के साथ उन्होंने देखा तो एक वहां पकड़ा गया, वो दो अन्य बाहर भागने में सफल रहे। नितिन, क्या सभी बदमाश पकड़ लिए गए हैं जो इस चोरी की पूरी घटना में शामिल हुए थे, जो चोरी करने के लिए आए थे? जी अभी तीन लोगों में से इनको पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया है, दोनों की तलाश भी जारी। बिल्कुल नितिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ललितपुर का ही पूरा मामला है जहां पर एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी जो बदमाश है जो चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए आए थे वो मौके से फरार हो गए, उनकी भी तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन वाकई ये कहा जा सकता है कि एक बहुत ही अच्छा जो रूप है वो पुलिस का देखने के लिए मिला है, तत्परता और सजगता के चलते एक बड़ी जो लूट की वारदात थी वो होने से बच गई। SBI की जो शाखा थी उसमें जो चोर है वो घात लगाकर बैठे हुए थे, चोरी की घटना को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन सिपाही और होमगार्ड की तत्परता से ऐसा नहीं हो पाया। तो पुलिस अधीक्षक ने ऐलान किया है कि जल्द ही आरोपियों को तो गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा, इसके अलावा जो सिपाही है और जो होमगार्ड है उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। ताज नगरी आगरा के शाही जामा मस्जिद के अंदर स्थित मदरसे ओलिया में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराना और राष्ट्रगान करने के बाद उपजे विवाद में अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन असलम कुरैशी ने मौखिक फतवा जारी करने वाले शहर मुफ्ती मौलाना खुबैद रूमी के खिलाफ थाना मंटोला में तहरीर दी है, जिसमें राष्ट्रगान का विरोध करने वाले मौलाना पर राष्ट्रद्रोह और NSA लगाने की मांग की गई है। दरअसल ये पूरी घटना स्वतंत्रता दिवस की है, जहां शाही जामा मस्जिद के अंदर बने मदरसाए ओलिया में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने तिरंगा फहराया था, साथ ही राष्ट्रगान भी गाया था, जिसको लेकर शहर मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर शाही जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन असलम कुरैशी के खिलाफ मौखिक रूप से फतवा देते हुए इसे हराम बताया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ताजनगरी आगरा में अब सियासत का दौर शुरू हो चुका था। थाना मंटोला पर सैकड़ों की संख्या में हिंदुवादी संगठनों ने पहुंचकर आरोपी शहर मुफ्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर पुलिस को दी है, साथ ही जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अमित शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं आगरा से। अमित, ये पूरा मामला किस तरह से है, कैसे हम इस पूरे मामले को समझ सकते हैं? दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला स्वतंत्रता दिवस का है, जहां पर शाही जामा मस्जिद के अंदर एक मदरसा एक औलिया स्थापित है, जहां पर स्वतंत्रता के बाद से हमेशा तिरंगा झंडा फहराया जाता रहा है, राष्ट्रगान भी होता है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी को इस मदरसे में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था, जिन्होंने तिरंगा झंडा फहराया, इसके बाद राष्ट्रगान की शुरुआत। इसके बाद शाही जामा मस्जिद के जो इमाम है, शहर मुफ्ती है मौलाना खुबैद रूमी, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल किया, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने इस्लाम और शरीयत के हिसाब से हराम बताया है। इसके बाद से ताजनगरी आगरा में इसके ऊपर पूरी सियासत शुरू हो गई। लेकिन तिरंगा फहराना कहाँ लिखा गया है कि तिरंगा फहराना हराम है? उनका जो तर्क है, शहर मुफ्ती का जो तर्क है, उन्होंने अपना तर्क इस्लाम के आधार पे दिया। उनका कहना है कि मस्जिद जो है वो अल्लाह का दरबार है, वहाँ पे इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं हो सकता, और इसको उन्होंने मौखिक तौर पे फतवा देते हुए हराम बताया। जिसके बाद आगरा में राजनीति अपने पूरे चरम पर है। जो इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन हैं असलम कुरैशी, उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बाद जो मौलाना खुबैद हैं जिन्होंने तिरंगा फहराया था स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, उनकी तरफ से क्या बयान सामने आए हैं? उनकी तरफ से अभी भी वो अपने बयान पे अड़े हैं, वो लगभग सोशल मीडिया पर अपने ऑडियो
ऑडियो वायरल कर रहे हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो इस्लाम और शरीयत के अनुसार कहा है। पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद, क्योंकि हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं जहां पर हम सभी धर्मों के ऊपर हमारा संविधान है और संविधान इस प्रकार के किसी भी ऑडियो और फतवा जारी करने की कोई इजाजत नहीं देता है। बिल्कुल अमित, यहाँ पर जो असलम कुरैशी हैं जिन्होंने एक पूरा मुकदमा दर्ज कराया है और तहरीर दी है उनके खिलाफ, क्या मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और किस तरह से दर्ज किया गया है, क्या उसमें लिखा गया है, क्या सिर्फ उनके तर्क हैं जो उनके फतवे हैं उनके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है? इस पूरे मामले पे आगरा के पुलिस कप्तान से आज वार्ता हुई, टीम द्वारा पूरी पड़ताल की गई, जिसके बाद आगरा के जो पुलिस कप्तान मुनीरा जी हैं उन्होंने ये कहा कि पहले वायरल ऑडियो की जांच की जाएगी, उसके बाद अगर इसमें कुछ सत्यता पाई जाती है तो NSA और राष्ट्र दो के धाराओं के तहत इस पूरे मामलों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल असलम कुरैशी और काफी हिंदूवादी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा NSA और राष्ट्र दो लगाने की मांग की गई है और कई सारी तहरीरें संबंधित थाना में अभी तक पहुंच चुकी है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए अमित। पूरा मामला आगरा का है जहाँ पर 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा फहराया गया, लेकिन कुछ उलेमाओं को या मौलानाओं को ये अब बात रास नहीं आई, तो ऐसे में मौलाना खुबैद के खिलाफ एक तहरीर जारी की गई है, तहरीर दी गई है और इस पूरे मामले में विवाद जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। असलम कुरैशी ने मुफ्ती मौलाना खुबैद के खिलाफ ये तहरीर दी है। उनका कहना है कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, वो अल्लाह का घर है, वहाँ पर इस तरह से तिरंगा नहीं फहराया जा सकता। इस मामले में राजनीति भी हो रही है और वाद विवाद लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने FIR दर्ज कराई है, जिन्होंने तहरीर दी है असलम कुरैशी, उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो आगरा का ही पूरा मामला जहां पर मस्जिद में तिरंगा फहराने को लेकर बवाल हो गया है। सीतापुर में बीसवा के काजी टोला इलाके में रहने वाली एक महिला ने घर खाली कराने पहुंची पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि महिला को पुलिस ने जमीन पर खींचा, लाठियां बरसाई और अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। वहीं पुलिस ने महिला को जबरन घर से निकालकर गाड़ी में बिठाकर थाने पहुंचाया। इसी के साथ पुलिस ने महिला और उसकी बेटी का 151 में चालान भी कर दिया है, जिसके बाद SDM बीसवा ने महिला को जमानत पर छोड़ दिया। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो घर में घुसी पुलिस ने महिला के साथ मारपिटाई की है, बदसलूकी की है। मारपिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सीतापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी शिवराज मेरे साथ सीतापुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवराज, ये पूरा मामला कब का है और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको, ये पूरा मामला बिस्मा कोतवाली इलाके के काजी टोला का है, जहाँ पे मकान खाली कराने के लिए पुलिस गई थी और जहाँ पे महिला के साथ में अभद्रता की गई और इस तरीके की अभद्रता से पूरे मामले में पुलिस कप्तान ने संज्ञानता लेते हुए CO को जांच दी है और कहा कि इसमें जांच करके कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो घर में घुसी पुलिस ने महिला के साथ मारपिटाई की है, ऐसा महिला का कहना है और 151 में चालान भी किया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। हालांकि वीडियो देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, कुछ पुलिसकर्मी और महिला जरूर यहाँ पर नजर आ रही है। सीतापुर का ये पूरा मामला है, फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। दो विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान की तरफ से भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ का जनवादी जनक्रांति यात्रा निकाली गई, जो बलिया से चलकर मऊ पहुंची है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से उनका स्वागत किया गया। इस यात्रा से बीजेपी के जन विरोधी नीतियों को जनता तक पहुंचाकर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। यात्रा बलिया से निकलकर अयोध्या होते हुए लखनऊ के रामाबाई मैदान में समाप्त होगी। तो जनवादी जनक्रांति मोर्चा यात्रा निकाली गई है, जिसका नारा है भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ।
तो मऊ का ये पूरा मामला आप बता दें कि 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी जो छोटे छोटे दल हैं वो भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान की तरफ से भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ का जनवादी जन क्रांति यात्रा निकाली गई, जो बलिया से चलकर मऊ पहुंची है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से उनका स्वागत किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी विजय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, ये जो यात्रा निकाली गई है जो आज मऊ पहुंची है, इसका नारा है भाजपा हटाओ और प्रदेश बचाओ, किसके नेतृत्व में निकाली गई और इसका पूरा उद्देश्य क्या है? जी, आपको बता दें कि भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा निकाला गया है, जो जिनके अध्यक्ष है जनवादी पार्टी के संजय चौहान, जो बलिया से निकलकर आज मऊ पहुंची है, जिसका स्वागत सपा कार्यकर्ताओं ने किया है। या इसके माध्यम से जनता के लोगों द्वारा बताया जाएगा कि किस तरह से भाजपा के जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सरकार काम कर रही है, इसके लिए वो लगातार जनताओं से जनता संपर्क करने का काम कर रही है। और 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जनवादी जन क्रांति मोर्चा यात्रा निकाली गई है जो आज मऊ पहुंची है। दरअसल इसका मेन नारा है बीजेपी हटाओ और प्रदेश बचाओ। आपको बता दें कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं वो नजदीक है, ऐसे में चाहे राजनीतिक पार्टियां हो या फिर छोटे छोटे दल हों, सभी अपने आप को सक्रिय कर रहे हैं और जनता से जुड़ने की पुरजोर कोशिश हो रही है। साथ ही साथ राज्य में सरकार है उसको लेकर भी जो नेगेटिव चीजें हैं वो जनता तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।